हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ब्यूटीफुल जंपसूट फॉर योर लिटिल वन। ये ड्रेस मैंने बनाई है 5 to 6 ईयर बेबी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ब्यूटीफुल ड्रेसेज आप लोगों को इस चैनल पर सीखने को मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बेबी जंपसूट बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर प्लेन कॉटन फैब्रिक। ये सिंगल पीस है फ्रंट पार्ट के लिए, जिसकी विड्थ है 20 इंचेज, लेंथ है 11 इंचेज। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये सिंगल पीस है बैक पार्ट के लिए, जिसकी विड्थ है 16 इंचेज, लेंथ है 11 इंचेज। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को, जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा है, उसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट पार्ट के कपड़े की विड्थ 2 इंचेस ज़्यादा है बैक पार्ट से, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। मार्क करेंगे शोल्डर, शोल्डर लेंगे 6 इंचेस, आर्म होल भी लेंगे 6 इंचेस, चेस्ट और वेस्ट है 8 इंचेस। नीचे से मार्क करेंगे 1/2 इंचेस, फिर नेक विड्थ मार्क करेंगे 2.5 इंचेस, बैक नेक डेप्थ मार्क करेंगे 1 इंचेस, फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करेंगे 3 इंचेस, फिर नेक को गोलाई में मार्क करेंगे, आर्म होल को भी गोलाई में मार्क करेंगे, नीचे से भी गोलाई में मार्क करेंगे। अभी जो मार्क किया है उस कपड़े को कट करेंगे। बैक पार्ट के कपड़े को उठाएंगे। इसके बाद फ्रंट नेक को मार्क करेंगे, नेक को कट करेंगे, फिर सेंटर से कट करेंगे। ये 2 पीस हैं फ्रंट पार्ट के लिए, ये 2 पीस हैं रफल के लिए, जिनकी विड्थ है 4 इंचेस, लेंथ है 42 इंचेस। कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से गोलाई में मार्क करेंगे। इसके बाद कपड़े को कट करेंगे। ये 2 पीस हैं बॉटम पार्ट के लिए, जिनकी लेंथ है 29 इंचेस, विड्थ है 18 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे, क्रोच लेंथ मार्क करेंगे 9 इंचेस, विड्थ मार्क करेंगे 1.5 इंचेस, नीचे से बॉटम मार्क करेंगे 8 इंचेस, फिर दोनों मार्क को मिलाएंगे, क्रोच लेंथ को गोलाई में मार्क करेंगे। इसके बाद कपड़े को कट करेंगे। दोनों बॉटम पार्ट को क्रोच लेंथ से अटैच करेंगे। अभी साइड से स्टिच करेंगे। साइड से स्टिच करने के बाद बॉटम से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से ही दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। कपड़े को सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी टॉप पार्ट का 1 पीस लेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरीके से ही दूसरे पीस को भी स्टिच करेंगे। अभी दोनों पीस को नीचे से अटैच करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट लेंगे, दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे।
शोल्डर अटैच करने के बाद नेक को स्टिच करेंगे। उसके लिए एक पट्टी लेंगे, पट्टी को नेक के साथ साथ अटैच करेंगे, पट्टी को रॉन्ग साइड में अटैच करेंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अभी पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से स्टिच लगाएंगे। अभी आर्म होल को स्टिच करेंगे, उसके लिए भी एक पट्टी लेंगे, पट्टी को आर्म होल के साथ साथ अटैच करेंगे। पट्टी को भी रॉन्ग साइड में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, सीधी साइड टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से ही दूसरे आर्म होल को भी स्टिच करेंगे। अभी मार्क करेंगे 4 इंचेस, फ्रंट पार्ट पे भी मार्क करेंगे 4 इंचेस दोनों साइड। अभी शोल्डर पे मार्क करेंगे सेंटर में, दोनों शोल्डर पे। इसके बाद सभी मार्क को मिलाएंगे। अभी जो मार्क किया है उसके ऊपर से कट करेंगे। अभी रफल लेंगे, रफल के बॉर्डर को स्टिच करेंगे। बॉर्डर को स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से छोटी छोटी प्लेट डालेंगे या फिर गैदरिंग करेंगे। अभी दोनों पार्ट पे मार्क करेंगे 1.5 इंचेस। रफल को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और जो मार्क हमने लगाए हैं वहां से रफल को अटैच करेंगे। अभी एक ओवरलॉक स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी मार्क के ऊपर से कट करेंगे, रफल को स्टिच करेंगे और फिर अटैच करेंगे। दूसरी साइड रफल को अटैच करने के बाद दोनों पार्ट को साइड से अटैच करेंगे। अभी टॉप पार्ट भी हो गया है रेडी। इसके बाद बॉटम पार्ट की दोनों साइड में मार्क करेंगे और टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे।
रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। अभी इलास्टिक लेंगे जिसकी लेंथ है 19 इंचेस। इलास्टिक के दोनों सिरों को अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम पार्ट के जॉइंट पर इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक को जॉइंट पे रखेंगे, कपड़े को इलास्टिक के ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है इलास्टिक पे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जंपसूट को सीधी साइड टर्न करेंगे। इसके बाद बटन होल्स बनाएंगे और बटन अटैच करेंगे। अभी जंपसूट की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। आज की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो में कुछ सीखा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।